दोस्तों आपको तो पता है कि कोई भी बुरी शक्ति हमारी दुनिया में आने के लिए डॉल्स का सहारा लेती है, और अक्सर हॉरर फिल्म्स में भी ये दिखाया जाता है कि मोस्ट ऑफ आत्माएं डॉल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है और अपने होने का वजूद बताती है। आपको तो दुनिया के सबसे श्रापित गुड़िया एनाबेल के बारे में तो पता ही होगा, पर आज हम रॉबर्ट नाम के एक डॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे श्रापित डॉल में से एक है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना। रॉबर्ट डॉल आज भी फ्लोरिडा के की वेस्ट में फोर्ट ईस्ट मार्टिन म्यूजियम में है। रॉबर्ट डॉल को दुनिया का सबसे श्रापित और खतरनाक डॉल कहा जाता है। ये डॉल जिस जिसके परिचय में आई है उनके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव और खतरनाक हादसे होने लगे, जैसे कि डिवोर्स, जॉबलेस होना, एक्सीडेंट्स होना और अचानक डेथ होना। रॉबर्ट डॉल को स्टीव कंपनी ने बनाया था। रॉबर्ट डॉल का सबसे पहला होना रॉबर्ट यूजिन पोर्टो था। उसे ये डॉल उसके घर में काम करने वाले एक नौकर ने दी थी। ऐसा कहा जाता था कि उसके घर में वो काम करने वाला नौकर यूजिन फैमिली को पसंद नहीं करता था। उसे काले दादी के बारे में बहुत पता था और वो ब्लैक मैजिक करता था, तो उसने उस डॉल पर ब्लैक मैजिक करके रॉबर्ट यूजिन को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे दिया। ये डॉल पाकर रॉबर्ट बहुत खुश था और जल्दी उसने इस डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लिया। उसने इस डॉल का नाम अपने नाम पर रॉबर्ट रख दिया। उसने इस डॉल के लिए एक स्पेशल रूम भी बनाया था, वहाँ वो डॉल्स के लिए जूते कपड़े रखता था। वो इस डॉल के लिए कुछ भी कमी नहीं गिरना चाहता था। वो इस डॉल को हर जगह लेके जाता था, उसके साथ खेलता था और सोता था। पर कुछ समय बाद हालात बदलने लगे। रॉबर्ट उस डॉल को इतना चाहने लगा कि वो अब दिन भर उसके डॉल के साथ जुड़ा रहता था, उसके साथ बातें करता था। कुछ समय बाद घर के सामान भी धीरे धीरे गायब होने लगे। रॉबर्ट के माँ बाप को लगता था कि ये सब रॉबर्ट कर रहे हैं, पर जब भी वो रॉबर्ट को इसके बारे में पूछते थे तो रॉबर्ट उस डॉल की तरफ इशारा करके इसने किया है ऐसा कहता था, पर उनके माँ बाप ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़ा हुआ वैसे वैसे उनके मोहल्ले में बहुत सारे लोगों ने इस डॉल के बारे में एक अजीब फीलिंग आने लगी। उन्हें लगना चालू हुआ था कि इस डॉल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब रॉबर्ट स्कूल जाने के लिए घर से निकलता था तो उसके स्कूल के दोस्तों ने रॉबर्ट डॉल को घर के सबसे ऊपरी विंडो में देखा करते थे। वो उनकी ओर एक डरावनी नज़र से देखता था और पल भर में वो गायब हो जाता था। सिर्फ बच्चे ही नहीं तो रास्ते में आने जाने वाले लोगों ने भी देखा है कि रॉबर्ट डॉल विंडो के एक साइड से दूसरे साइड से हिलते रहता था, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जब वो लोग उस डॉल के सामने एक दूसरे से एक कमरे में बात कर रहे हो तो वो डॉल अपने चेहरे के एक्सप्रेशन अपने आप बदलता था। ऐसे ही एक दिन रॉबर्ट रात को सो रहा था, तब उसकी आधी रात में अचानक नींद टूट गई। जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि रॉबर्ट डॉल उसके पैरों के नीचे बैठा था और उसे डरावनी नजर से घूरे जा रहा था। तब अचानक कमरे की चीजें गिरने लगी। तब रॉबर्ट जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता की नींद टूट गई। उन्होंने जब रॉबर्ट के कमरे में आकर देखा तो उन्होंने देखा कि कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई सिवाय रॉबर्ट डॉल के अलावा, और रॉबर्ट उजिन उनका बेटा कमरे के एक और एक डर के खौफ में बैठा था। पर बढ़ती उम्र के साथ रॉबर्ट को पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा और उसने वहाँ ही अपनी शादी कर ली। पर शादी के बाद रॉबर्ट अपने पत्नी को लेकर अमेरिका में शिफ्ट हुआ। तब वो अपने पुराने घर से बचा हुआ सामान लेने गया था, तब उसकी मुलाकात फिर से रॉबर्ट डॉल के साथ हुई। अपना पूरा बचपन उसके साथ गुजारने के कारण उसने ये डॉल को अपने साथ नए घर में ले गया, पर वो डॉल आने के बाद ही रॉबर्ट फिर से पहले से हरकतें करने लगा। वो सारे दिन उससे बातें करने लगा। ये बात उसकी पत्नी को पसंद नहीं और उसने इस डॉल को अपने घर के ऊपर के स्टोरूम में रख दिया। पर यह बात रॉबर्ट डॉल को भी पसंद नहीं आई थी। उनके घर में फिर से सामान गिरने लगते थे और कुछ कुछ गायब होते थे। उनके मोहल्ले के लोगों को ये डॉल विंडो से झांकती हुई दिखाई देती थी और पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। कभी कभी उनके मेहमानों को घर के ऊपर के स्टोरूम से पैरों की चलने की आवाज़ आती थी, पर फिर भी रॉबर्ट यूजिन ने इस डॉल को फेंका नहीं। आखिर उसके मरने के बाद भी वो डॉल वहीं पड़ी रही, और उसके बाद एक महिला ने वो घर खरीद लिया। उसने भी इस डॉल के साथ 20 साल बिताए और फिर फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टिन म्यूजियम को ये डॉल श्रापित है कहकर दान कर दिया। अब भी ये रॉबर्ट डॉल उस म्यूजियम में ही है और बहुत सारे लोग उसे देखने आते हैं, पर उसकी फोटो नहीं तो वीडियो खींचने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो आपके लाइफ में बहुत सारे खतरनाक हादसे होते रहेंगे ऐसा कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।